न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांस गांव में 128 करोड़ की लागत की कुल 33 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा दक्षिणांचल में है विकास की असीम संभावनाएं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन और 5 लाभार्थियों को NULM कार्ड का किया वितरण। उत्तर प्रदेश कौशल विकास केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। संस्था में 6 ट्रेडों का होगा निःशुल्क प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी व्यक्ति नहीं है आयोग, चाहिए योग योजक। महिलाओं के दम पर कांग्रेस की लोकसभा चुनाव 2019 फतह करने की तैयारी हुई तेज। हर बूथ पर 15-15 महिलाओं की बनेगी टीम। कहा सरकार बनी तो पास होगा महिला आरक्षण बिल। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को वापस लिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। न्यायिक तहसीलदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाज भवन में आयोजित हुई संगोष्ठी के समापन अवसर पर वक्ताओं ने भक्ति साहित्य वैकल्पिक समाज का स्वप्न पर रखे अपने विचार।